Good morning, students. Today our topic of discussion is center of a group. हम ये चीज़ ऑलरेडी भी डिफाइन कर चुके हैं. सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? सेंटर ऑफ अ ग्रुप, अगर जी आपके पास कोई भी ग्रुप है, देन उसके सेंटर का मतलब क्या है? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी. ग्रुप के वो एलिमेंट्स, जी के वो एलिमेंट्स, जो इस ग्रुप के कोई भी अगर मैं एलिमेंट लेती हूँ जी, ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करता है? कम्यूट. मतलब अगर इसको बाइनरी ऑपरेट करें जी के साथ, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड, द रिजल्ट विल बी सेम. ठीक है, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स ग्रुप के जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, उनका अगर हम सेट बना लें, दैट इज सेट टू बी सेंटर ऑफ द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी हर एक ग्रुप में बिलोंग करती है, एंड वी नो दैट अगर मैं आइडेंटिटी को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से बाइनरी ऑपरेट करूँ, चाहे राइट हैंड साइड से ऑपरेट करूँ, वो हमेशा क्या आएगा? सेम. ठीक है, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, देयर फोर आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप ऑलवेज बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी. फाइन, सो इट मीन्स सेंटर में कम से कम एक एलिमेंट तो बिलोंग करता ही करता है, दैट इज आइडेंटिटी. एंड इसके अलावा और भी जो एलिमेंट्स ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, वो सारे किस में आएंगे? सेंटर में. सो इट इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी. फाइन, नाउ यू हैव टू प्रूव सेंटर ऑफ द ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. वी हैव टू प्रूव दैट सेंटर ऑफ द ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. नॉर्मेलिटी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या शो करेंगे? इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, सेकंड क्या प्रूफ करेंगे? इट इज़ अ सब ग्रुप. एंड थर्ड वी विल प्रूव इट इज़ नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है, डायरेक्टली सिर्फ नॉर्मल नहीं प्रूफ करना, पहले क्या प्रूफ करोगे? इट्स अ नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी है तो इसको सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, और सब ग्रुप है तो फिर इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे. सो फर्स्ट वी चेक वेदर इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट और नॉट. अभी हमने पीछे कहा कि आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप जो है वो हर एलिमेंट के साथ ग्रुप के क्या करती है? कम्यूट. फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी. और अगर आइडेंटिटी बिलोंग कर गया सेंटर में, इसका मतलब सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी सेट. फर्स्ट कंडीशन होगी. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड कंडीशन. वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ सब ग्रुप. Since it is a non-empty set, so we can take two elements in this set. So we consider A and B are two elements of ZG. इसका मतलब A भी group के हर element के साथ commute करता है, and B भी group के हर element के साथ क्या करता है? Commute. Fine. अब मुझे इसको subgroup proof करने के लिए क्या proof करना है? AB inverse belongs to ZG. है ना, तो इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स जो है वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है. फाइन, सो आई फर्स्ट कैलकुलेट ए बी इनवर्स इनटू जी. फाइन, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये रिजल्ट है आपके पास कि बी हर एलिमेंट के साथ जी के क्या करता है? कम्यूट. सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बाइनरी ऑपरेट कर दो, और राइट हैंड साइड से भी बी इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेट कर दो. सो व्हाट वी विल गेट? B inverse into B is identity into G into B inverse, and B inverse G, B into B inverse is identity. Now identity into G is nothing but G, so this GB inverse equal to B inverse into G into identity is G. Fine. So now by associative property we can write this value as A B inverse G. ठीक है, bracket हम change कर सकते हैं without changing its order. By which property? Associativity. Now, B inverse G किसके equal है? That is equals to GB inverse. Substitute कर दो. Now, this result hold, कि ये result hold करता है for every G belongs to G. तो ये भी result hold करेगा for every G belongs to G. Now, again we can change the bracket by associative property. ठीक है? This result again holds for every G belongs to G. And now this is AG. AG किसके इक्वल है? GA के इक्वल, फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G, ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए. ठीक है,
तो इसका मतलब क्या आ गया, अगेन वी कैन चेंज द ब्रैकेट, जी टाइम्स ए बी इनवर्स. सो व्हाट वी गेट, ए बी इनवर्स इनटू जी इक्वल टू जी टाइम्स ए बी इनवर्स फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी. ठीक है, क्या मिल गया हमें, ए बी इनवर्स इनटू जी इज इक्वल्स टू जी टाइम्स ए बी इनवर्स फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी. इसका मतलब जो ए बी इनवर्स है वो किस में बिलोंग कर गया, सेंटर में, क्योंकि ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है. तो ये क्या बन गया, सब ग्रुप. अब मुझे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना था, तो अब मैं इसको नॉर्मल प्रूव करूंगी. नॉर्मल के लिए क्या करना है, एक एलिमेंट ग्रुप का और एक एलिमेंट उस सेट का जिसको नॉर्मल प्रूफ करना है. फाइन, सो अब मुझे प्रूव करना है जी इनवर्स ए इंटू जी किस में बिलोंग करना चाहिए, सेंटर में. ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, जी इनवर्स ए क्या है, सेंटर का एलिमेंट. सेंटर में कौन से एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कि ए इंटू जी किसके इक्वल होगा, जी इंटू ए के. ठीक है, नाउ व्हाट इज योर जी इनवर्स इंटू जी, दैट इज आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी इंटू ए इज नथिंग बट ए. ठीक है, सो इसका मतलब जो जी इनवर्स ए जी एलिमेंट है वो ए के अलावा और कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट ए फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी. इसका मतलब क्या हुआ, ए तो जेड सेंटर में था ही, ए तो एलिमेंट ही सेंटर का था, इसका मतलब जी इनवर्स ए जी भी जो है वो किस में बिलोंग कर गया, सेंटर में. तो इट मींस क्या हुआ, दिस मींस दैट सेंटर ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और हमें यही प्रूफ करना था. ठीक है, सो अगर हमें नॉर्मेलिटी प्रूफ करनी हो, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले उसको नॉन एम्प्टी, देन सब ग्रुप एंड देन नॉर्मल सब ग्रुप, ये तीनों चीजें प्रूफ करनी है आपको. फाइन, नाउ देयर आर सम रिजल्ट्स व्हिच आर नॉट, हुज प्रूफ इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, तो अभी सिर्फ इनको एज अ लर्न आपने करना है रिजल्ट्स को, इनको यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे. क्या रिजल्ट है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p रेस्ट टू पावर n है वेयर p इज अ प्राइम नंबर. क्या कहा हमने, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p रेस्ट टू पावर n है वेयर p इज अ प्राइम नंबर, देन दिस ग्रुप हैज नॉन ट्रिवियल सेंटर. आपने एक चीज देखी कि जो हमारा सेंटर ऑफ द ग्रुप था उसमें एक एलिमेंट तो आ ही गया था, कौन सा, आइडेंटिटी. तो अगर सेंटर आइडेंटिटी के इक्वली है, किसी भी ग्रुप का सेंटर अगर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सेंटर, क्योंकि हर ग्रुप के लिए आइडेंटिटी तो सेंटर में बिलोंग करेगी ही करेगी. तो जो चीज ऑब्वियस हो उसको हम क्या कहते हैं, जस्ट ट्रिवियल. ठीक है, तो अब यहाँ क्या कहा उसने कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p रेस्ट पावर n है वेयर p इज अ प्राइम नंबर, तो इसका नॉन ट्रिवियल सेंटर जरूर एग्जिस्ट करेगा. मतलब उसमें आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट भी बिलोंग करेगा. सेंटर जो है वो ट्रिवियल नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल होगा, यानी कि आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट भी उसमें बिलोंग करेगा. इसका मतलब सेंटर का ऑर्डर जो होगा वो वन से क्या होगा, ज्यादा. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज एबिलियन, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम का स्क्वायर है तो वो ग्रुप हमेशा क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा. ठीक है, हम ये दोनों रिजल्ट्स यूज करेंगे. फाइन, नाउ लेट्स प्रूव अ रिजल्ट. इफ जी इज अ ग्रुप सच दैट जी मॉड सेंटर ऑफ जी इज साइक्लिक, जी एक ऐसा ग्रुप है जिसको उसके सेंटर से मॉडुलस करने पे वो ग्रुप क्या बन जाता है, साइक्लिक. साइक्लिक का मतलब इट इज जनरेटेड बाय वन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप. ठीक है, अब जी मॉड जेड जी में पहले तो एलिमेंट किस टाइप के हैं, इट इज अ कोशेंट ग्रुप, तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, कोसेट टाइप के. तो मैं जेड जी को अब जेड लिख रही हूँ, जेड इंटू ए टाइप, वेयर ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी. ठीक है, अगर ये साइक्लिक है इसका मतलब इसका हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखा जाएगा. एंड व्हाट इट मींस, इट इज जेड जी इंटू जेड जी इंटू जेड जी, हाउ मेनी टाइम्स, के टाइम्स. अभी आपने प्रूफ किया सेंटर इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो प्रोडक्ट नॉर्मल सब ग्रुप में अगर हम दो राइट कोसेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जेड जी इंटू जी हो जाता है. अभी के टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा, जी इंटू जी इंटू जी, हाउ मेनी टाइम्स, k times.
ठीक है, सो इट इज इक्वल टू जेड इंटू जी रेज टू पावर के. तो जेड ए कैसे लिखा गया, जेड जी रेज टू पावर के. ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि अगर जेड मॉड जी मॉड जेड जी साइक्लिक है तो जी क्या होगा, एबिलियन होगा. वी हैव टू प्रूव जी मस्ट बी एबिलियन. अब जी को एबिलियन मान प्रूफ करने के लिए हम इसके दो एलिमेंट्स लेते हैं. लेट ए एंड बी आर द टू एलिमेंट्स ऑफ जी. ठीक है, तो ए से भी एक कोसेट बना दिया जेड ए और बी से भी एक कोसेट बना दिया जेड बी. तो जेड ए कैसे लिखा गया, जेड जी रेज टू पावर सम कुछ भी हो सकता है, सपोज के वन मान लेते हैं, एंड जेड बी को लिख दिया हमने जेड जी रेज टू पावर के टू. ठीक है, अब हमें पता है कि जो कोसेट्स होते हैं वो इन एलिमेंट्स को भी कंटेन करते हैं. तो ए जेड ए में बिलोंग करेगा और बी जो है वो जेड बी में बिलोंग करेगा. ठीक है, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, जेड इसको मैं लिख सकती हूँ जेड जी रेज टू पावर के वन, एंड इसको मैं लिख सकती हूँ जेड जी रेज टू पावर के टू. कैसे, जैसे हमने ये किया था. ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर ये ए जेड ए कोई भी एक कोसेट है, सेट का एलिमेंट है, तो वो इस टाइप में लिखा जाएगा. ठीक है, तो हमने मान लिया कि पर्टिकुलर एलिमेंट ए को हम इस तरह लिख सकते हैं और बी को, बी वाले एलिमेंट को हम जिस कोसेट में है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ ए इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए किस तरह का एलिमेंट होगा, सम एलिमेंट ऑफ जेड इंटू जी रेज टू पावर के वन. एंड बी भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो बी कैसा होगा, सम एलिमेंट ऑफ जेड इंटू जी रेज टू पावर के टू. ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि जी ग्रुप एबिलियन होना चाहिए, यानी कि ए बी को बी ए के इक्वल प्रूफ करना है. तो ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी इज जेड वन जी रेज टू पावर के वन जेड टू इंटू जी रेज टू पावर के टू, वेयर जेड वन एंड जेड टू आर द एलिमेंट्स ऑफ सेंटर ऑफ जी. जो एलिमेंट सेंटर में होते हैं वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं. तो अगर जी ग्रुप में है तो जी की मैं जितनी मर्जी पावर कर लूँ वो भी ग्रुप में ही होगी बाइनरी ऑपरेशन से. तो इसका मतलब ये एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, कम्यूट. इट कैन बी रिटन एज जेड वन इंटू जेड टू इंटू जी रेज टू पावर के वन इंटू जी रेज टू पावर के टू. वाई, ये एलिमेंट सेंटर में है तो ये जेड टू जो है वो इसके साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा. ठीक है, नाउ वट इज दिस, इट इज जेड वन जेड टू जी रेज टू पावर के वन प्लस के टू. और के वन के टू क्या है, इंटीजर्स, सो वी कैन राइट इट एज जेड वन जेड टू जी रेज टू पावर के टू प्लस के वन लिख सकते हैं. अगेन वी कैन स्प्रेड दिस, इट इज जेड वन जेड टू जी रेज टू पावर के टू इन टू जी रेज टू पावर के वन. अब ये एलिमेंट भी जेड टू के साथ कम्यूट करेगा क्योंकि ये तो सेंटर में है और सेंटर वाला एलिमेंट ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है. सो वी कैन राइट इट एज इवन दीज टू एलिमेंट्स विल ऑल्सो कम्यूट विद ईच अदर. मुझे बेसिकली चाहिए क्या, ए बी इक्वल टू बी ए, तो मैं बी ए बी को लेफ्ट हैंड साइड पे बनाने की कोशिश करूंगी और ए को राइट हैंड साइड पे. जी रेज टू पावर के वन तो राइट हैंड साइड पे चला गया, अब मुझे जेड वन को भी उधर लेके जाना है. तो पहले जेड वन जेड टू कम्यूट करेंगे, तो वी कैन राइट जेड टू इंटू जेड वन इंटू जी रेज टू पावर के टू इंटू जी रेज टू पावर के वन. नाउ ये भी कम्यूट करेंगे, सो वी कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल टू जेड टू जी टू रेज टू जी रेज टू पावर के टू इंटू जेड वन जी रेज टू पावर के वन. नाउ वॉट इज दिस, इट इज नथिंग बट बी, एंड वॉट इज दिस, इट इज नथिंग बट ए. सो फाइनली वॉट यू गेट, ए बी इज इक्वल टू बी. ठीक है, और अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट्स है ग्रुप के और वो आपस में कम्यूट करके, इसका मतलब पूरे का पूरा ग्रुप क्या कर रहा है, कम्यूट, बिकॉज दिस टू आर एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स है ग्रुप के. ठीक है, तो इसका मतलब अगर जी मॉड जेड साइक्लिक है, वेयर जेड इज सेंटर ऑफ द ग्रुप, देन जी मस्ट बी एबिलियन. अब आपको ये सारे रिजल्ट्स जो हमने अभी अभी किए हैं ये याद होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. व्हाट इज द नेक्स्ट रिजल्ट, दैट इफ जी बी अ नॉन एबिलियन ग्रुप, अगर ग्रुप क्या है नॉन एबिलियन, सच दैट ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इक्वल टू पी क्यूब वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, देन शो दैट ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी. मतलब कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर जो नॉन अबिलियन ग्रुप हो किसी प्राइम की पावर थ्री है, प्राइम की क्यूब है,
तो उसके सेंटर में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे? पी एलिमेंट्स। किसमें? सेंटर में, ठीक है, ये प्रूव करना है। ओके, हाउ विल यू प्रूव दिस? सेंटर ऑफ जी इज ऑब्वियसली अ सब ग्रुप ऑफ जी, है ना, नॉर्मल होता है इवन, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। और लैग्रांजियन थ्योरम हम कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जेड जी भी हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को क्या करेगा? डिवाइड। ऑर्डर ऑफ जी कितना है? पी क्यूब। इसका मतलब इसकी चॉइसेस क्या क्या है? पी क्यूब को क्या क्या डिवाइड करता है? वन डिवाइड करता है, पी डिवाइड करता है, पी स्क्वायर डिवाइड करता है और पी क्यूब डिवाइड करता है। अब मैंने आपको पीछे दो रिमार्क बताए थे। एक रिमार्क क्या था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी रेस्ट पर एन है तो उसका सेंटर जो है वो ट्रिवियल नहीं होगा। ट्रिवियल नहीं है यानी कि वो सेंटर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब उस सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी मस्ट बी ग्रेटर देन वन। आई एम रिपीटिंग, हमने क्या कहा कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर है तो उसकी उसका जो सेंटर होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल सेंटर क्या होता है? दैट मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी, बट नॉन ट्रिवियल मतलब सेंटर कैन नॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, जब सेंटर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है यानी कि उसमें एक आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट और है, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी का हो जाएगा ग्रेटर देन वन। अब यहाँ पे हमारा ग्रुप का ऑर्डर क्या है? प्राइम की पावर, तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ जेड जी है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू वन। ये केस तो रिजेक्ट हो गया, ये चॉइसेस थी ना हमारे पास, तो अब ये केस तो रिजेक्ट हो गया, ऑर्डर ऑफ जेड जी कैन नॉट बी इक्वल टू वन। मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जेड जी पी क्यूब है, तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, इसका मतलब जेड जी और जी सेम है, क्योंकि जी तो सबसेट है जी का, जेड जी तो सबसेट है जी का, और अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है इसका मतलब दोनों ग्रुप सेम है। ठीक है, और जेड जी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वो एलिमेंट इस ग्रुप के जो इस ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हर एलिमेंट जब ये जेड जी जी के इक्वल हो गया, इसका मतलब जी का हर एलिमेंट अपने हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? एबिलियन ग्रुप। बट व्हाट इज गिवन टू यू? दैट इट इज नॉन एबिलियन। सो कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी पी क्यूब हो जाए तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। नाउ इसका मतलब जेड जी और जी सेम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं? जब ये खुद जी के इक्वल हो गया, इसका मतलब जी का हर एलिमेंट अपने हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो ये ग्रुप क्या बन गया? एबिलियन। बट ग्रुप क्या गिवन है? नॉन एबिलियन। देयरफॉर इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड हेंस ऑर्डर ऑफ जेड जी कैन नॉट बी इक्वल टू जेड पी क्यू। ये केस भी पॉसिबल नहीं। अब पॉसिबिलिटी क्या बची? आइदर हमें शो करना है ऑर्डर ऑफ जेड जी मस्ट बी इक्वल टू पी, बट हमारे पास चार चॉइसेस थी जिसमें से ये भी रिजेक्ट हो चुकी है और ये भी रिजेक्ट हो चुकी है। हमारे पास चॉइसेस कौन सी बची हैं? ऑर्डर ऑफ जेड जी या तो पी या पी स्केयर। हमें प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू पी, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या इसका ऑर्डर पी स्केयर हो सकता है या नहीं। अगर इसका ऑर्डर पी स्केयर है देन वॉट इज द ऑर्डर ऑफ जी मॉड जेड जी? क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी। जी का ऑर्डर कितना है? पी क्यूब। और ऑर्डर ऑफ जेड जी हमने कितना सपोज किया है? पी स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ जी मॉड जेड जी कितना हो गया? पी। और अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो, हमारे पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ जी मॉड जेड जी इज इक्वल्स टू पी विच इज अ प्राइम नंबर। तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो तो इसका मतलब क्या होता है? दैट ग्रुप इज साइक्लिक। इसका मतलब जी मॉड जेड जी क्या आ गया? साइक्लिक। अभी हमने पिछला केस किया था कि अगर जी मॉड जेड जी साइक्लिक हो वेयर जेड जी इज द सेंटर ऑफ द ग्रुप देन जी मस्ट बी एबिलियन। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? दिस इम्प्लाइज दैट जी मस्ट बी एबिलियन। बट हमें क्या गिवन है? जी इज नॉन एबिलियन, सो इट इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अगेन कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब ऑर्डर कैन नॉट बी इक्वल टू पी स्क्वायर।
अब तीन केसेस रिजेक्ट हो गए, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी जेड जी के ऑर्डर की, वन पी पी स्क्वायर एंड पी क्यूब, वन भी नहीं हो सकता, पी क्यूब भी नहीं हो सकता, पी स्क्वायर भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या बची, ऑर्डर ऑफ जेड जी मस्ट बी इक्वल टू पी। फाइन, तो ये रिजल्ट आपने याद भी रखना है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब है तो उसके सेंटर में एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स होंगे। लाइक वी हैव अ क्वेश्चन कि अगर आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 343, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द सेंटर ऑफ द ग्रुप, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में। 343 कैन बी रिटन एज 7 raised to power 3, वेयर 7 इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की क्यूब है तो अभी हमने रिजल्ट किया कि उसके सेंटर में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स होंगे, 7 एलिमेंट्स। ठीक है, आइदर यू कैन प्रूव दिस रिजल्ट इन द सेम वे जो हमने थ्योरम प्रूव की है, या आप डायरेक्टली अगर 2 मार्क का है तो इस थ्योरम को स्टेट करोगे वहां पर और कहोगे कि यहाँ पे पी की वैल्यू सिर्फ कितनी है 7, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जेड जी भी एग्जैक्टली कितना होगा 7। फाइन, सो नाउ यू कैन सॉल्व योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।